राजनांदगांव जिला विकास खंड की छिपा समिति के प्रबंधक द्वारा आत्महत्या मामले में डोंगरगढ़ पुलिस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। छिपा सोसाइटी के प्रबंधक की आत्महत्या मामले में पुलिस का कहना है कि आत्महत्या का कारण 28 लाख रुपए की आर्थिक गड़बड़ी थी, जिसको लेकर डोंगरगढ़ पुलिस ने तत्कालीन सेवा सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान को नोटिस जारी किया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद नवाज खान ने पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वह अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस नवाज खान की तलाश कर रही है। हम लोगों ने थाने में मार्ग क्रमांक 15/24 धारा 174 जापाव का कायम करके जांच कर रहे हैं। क्योंकि नवाज खान जी पूर्व में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे और सोसाइटी से संबंधित थे, और वहाँ पे अपन जाँच दस्तावेजों से प्राप्त किया है कि लगभग 28 लाख का धान कमी पाया गया। साथ ही कुछ किसानों को मतलब अनियमित लोन भी दिया गया है, ऐसा जानकारी मिला है। तो उस संबंध में हम लोगों ने पूछताछ के लिए एक नोटिस दिया था कि धान के शार्टेज जो है जब इन अध्यक्ष थे उस समय से हुआ है या फिर बाद में हुआ है, इस जांच के लिए हमने एक नोटिस भेजा था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।